नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से मैं केदु पद्मेश मंगल के परिवर्तन पर आपको कुछ अवगत कराना चाहता हूं। 4 मई को मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जहां 18 जून तक रहेगा। इस अवधि में शनि वक्री होगा, बृहस्पति वक्री होगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो और अधिक बलशाली हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध का भी बीच बीच में वक्री होना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रहा है। सितंबर के महीने तक बृहस्पति और शनि वक्री रहेगा, जिस कारण से मानव जात को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्राकृतिक स्थितियों में परिवर्तन होगा, प्रकृति में कहीं बाढ़ होगी तो कहीं सूखा की स्थिति होगी। ये स्थिति मनुष्य में एक प्रकार का भय व्याप्त होगा और भय व्याप्त होने के कारण से वो कुछ कठोर कदम भी उठा सकता है। मन जब अशांत होता है, भयग्रस्त होता है, तो उसको दूर करने के लिए आप ऐसे कुछ करते हैं जो नहीं करना होता है। ऐसे प्रयास न करें जो समाज विरोधी हो, आपके अपने परिवार के लिए, आपको देश के लिए नुकसानदायी हो। ऐसी अवधि में क्या करें? ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं, प्रकृति पर भी पड़ता है। इन दिनों में जब मंगल परिवर्तित हो रहा है तो मंगल कहीं न कहीं आपके मानसिकता में परिवर्तित करेगा, और ये मानसिकता आर्थिक भी हो सकती है, मन में एक भय भी हो सकता है, अपने भविष्य के लिए चिंतित भी हो सकते हैं। आपको ऐसे समय में क्या करना है? शरीर और मन दो तरह की स्थितियां हैं। मन में जब विकार उत्पन्न होता है, चाहे भय का हो, चाहे भावुकता का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे काम का हो, तो कहीं न कहीं वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव प्रकृति का नहीं पड़ता है जितना मन का पड़ता है, क्योंकि मन आपको प्रक्षण विचलित करता रहता है, उत्साहित करता रहता है। मन के हारे, अगर मन हार जाता है तो आप शरीर से शिथिल हो जाते हैं, अगर मन प्रसन्न होता है तो शरीर प्रसन्न होता है। मन को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि प्रातः का सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। गायत्री मंत्र का जप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से मन मजबूत होगा। मंगल का परिवर्तन कहीं न कहीं आपके मन को विचलित करेगा। 28 बार जप करिए, ह्रीम घरणी गर्व संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। इस मंत्र को आप सूर्योदय से लेकर के 11 बजे दोपहर तक अगर आप जप करते हैं, मात्र 28 बार जप करेंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों में आपका मन प्रसन्न हो रहा है, काम की प्रति रुचि हो रही है, भय समाप्त हो रहा है, आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। मेरी शुभकामनाएं समस्त लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका मंगल मंगल करे यानी कल्याण करे। नमस्कार।